जैसे गाइज मैंने आपको बताया था कल वाले ब्लॉग में लास्ट में कि हम कटरा या जम्मू जा रहे हैं वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए, तो अभी हम जम्मू से निकल गए हैं कटरा की तरफ और ये रास्ता कटरा जाने का ही है। अब मुझे पता नहीं ये वाला है अदरवाइज हाईवे है शायद से आगे, हाईवे भी मुझे लगता है हाईवे भी आगे। यार ओवरटेकिंग के चक्कर में यार आगे एक्सीडेंट भी हो सकता है, पता नहीं लोग क्यों करते हैं। फिर भी यार पहाड़ों में ऐसे इतना ओवरटेकिंग नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो हाँ मैं बता रहा था ना आपको, हम आज कटरा जा रहे हैं वैष्णो देवी, अभी हम जाकर वहाँ पर फटाफट से रूम लेंगे, रूम में सामान रखेंगे और दर्शन करने के लिए ऊपर चढ़ाई करना शुरू कर देंगे। और वहाँ पर अभी देखो यहाँ पर जम्मू में ना हम जहाँ रुके थे वो जगह तो नहीं, बट यहाँ जम्मू में ऐसी बहुत सारी जगहें हैं, जैसे कि एक यहाँ बैठ जो रेलवे स्टेशन है उसको जस्ट साइड में वैष्णवी धाम, एक कालिका धाम, ऐसे दो तीन मतलब वो बने हुए श्राइन बोर्ड की तरफ से, श्राइन बोर्ड गवर्नमेंट का है और उसके थ्रू ना मतलब आप वहाँ पर डोमेट्री बेड्स ले सकते हो, 100 रुपये का तो नॉन एसी है, 150 रुपये का एसी वाला बेड है, ऐसे कुछ प्राइस है मेरे को याद नहीं है, नीचे मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, कमेंट कर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। तो इसमें क्या है कि मतलब आप बेड लो, आप वन नाइट बड़े आराम से रुक सकते हो, आपका 12 बजे चेकआउट, 10 बजे 12 बजे चेकआउट करना होता है तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी बड़ी, इस तरह से कर सकते हो। और उसके अलावा अगर आप जैसे अभी हम जब आए थे तो मेरा यही था कि हमारा ना मतलब ज़्यादा, क्योंकि आज कल वाली नाइट सिर्फ हमें सिर्फ सोने के लिए चाहिए थी, जो कल की नाइट थी ना जब हम आए थे राइड करके यहाँ तक जम्मू तक, हमें सिर्फ सोने के लिए चाहिए थी, अदरवाइज़ हमारा और कोई भी काम नहीं था यहाँ पर होटल के अंदर। जैसे अगर हमें पूरा दिन भर रहना तो बात भी है कि अच्छा होटल ले या कुछ करें, तो हम ढूंढ देख रहे थे, पहले हम डोमेट्री बेड देखने गए, तो डोमेट्री बेड मोस्टली ज़्यादातर ना प्रेफर करते हैं ये फैमिली वाले पर्सन को, बट फिर भी अवेलेबल होता दे थे, बट अवेलेबल भी नहीं थे, नॉन एसी थे पर नॉन एसी के लिए भी कोई इनमें से राज़ी नहीं हुआ, तो फिर मैं नॉन एसी की तरफ गया नहीं। फिर हमें एक ऑटो वाला मिला, उसने कहा कि भाई ऐसे ऐसे एक होटल है इस जगह पर है, ये इसका नाम बताया गुज्जर नगर, गुज्जर नगर में यहाँ होटल था, होटल का नाम मैं नहीं ले रहा, कोई इतना अच्छा होटल नहीं था, मीडियम से ही था, बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा उसके बारे में। उसमें हमारा 800 रुपये का रूम मिला हमें, 800 रुपये में हम चारों थे, तो इट मीन्स अरे बंदर बंदर बंदर, हाँ 800 रुपये में हम चार लोग थे, तो 800 में चार थे तो 800 के हिसाब से देखा जाए तो 200 रुपये पर पर्सन का हमें पड़ गया, तो डोमेट्री वाला वो आ गया और एसी रूम था, ठीक ठाक रूम था, ज़्यादा अच्छा नहीं था पर ठीक ठाक सा ही था, बट दूर काफ़ी पड़ जाता, 37 किलोमीटर है यहाँ से कटरा, और कटरा के लिए हम हाईवे पर चढ़ गए हैं, ये अब हम प्रॉपर मेन रोड पर आ गए, पीछे अपना लाइनअप है और ये देखो लोकी आगे निकल गया, अब हमें बस खींचते हुए कटरा पहुँचना है फटाफट से। देखो भाई यहाँ से ले है 723 किलोमीटर 723 और कटरा है 37, उधमपुर 57, ले 723 किलोमीटर, वाओ चले ले चले ले भी चलेंगे, ले लद्दाख करके आएंगे, उससे पहले अभी कटरा चलते दर्शन करने, 35 किलोमीटर रह गया है, मुझे लगता है फटाफट ही कवर कर जाएंगे, 1 घंटे के अंदर अंदर पहुंच जाएंगे हम। ये देखो सारा यार सब कुछ कितना प्यारा लग रहा है रोड भाई, मैं अपडेट नहीं डाल पा रहा इस बार इंस्टाग्राम पे क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, बट जहाँ पर भी मेरे को मिलता है ना यहाँ पे मतलब सिम वाला नेट नहीं चलेगा, सिर्फ ब्रॉडबैंड चलेगा, तो ब्रॉडबैंड जहाँ भी मेरे को मिलता है मैं वहीं पर फटाफट से, जहाँ ब्रॉडबैंड मुझे मिला मैं फटाफट से आप सबके लिए मतलब डाल दूंगा स्टोरी स्टेटस जो भी डालना है। कल के बाद यार स्टेटस ही डाली, सब सोच रहे होंगे पता नहीं कहाँ गायब हो गए, हाँ वो ही सोच रहे होंगे लोग, तो पहुँचा है नहीं पहुँचा, नहीं टाइम हो गया, काफी टाइम हो गया, मतलब पता नहीं है, नहीं गाइज मैंने ना मतलब सच बता रहा हूँ मेरे को लगा नहीं था कि हम 600 किलोमीटर इतनी दूर तक अपनी स्कूटी पर आ पाएंगे, सच में मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मतलब बचपन से ना मैं आज तक आता हूँ तो यही होता है कि ट्रेन से आए तो बहुत टाइम लग गया, बट यार कभी सोचा नहीं था स्कूटी से हम यहाँ तक आ जाएंगे। गाइज देखो आप 629 किलोमीटर हम चल कर आए हैं दिल्ली से यहाँ तक, 630 किलोमीटर मतलब मेरे घर से 630 किलोमीटर है एग्जैक्ट, 630 कटरा शुरू होती है और ये पीछे बस स्टैंड है, ये मेन चौक है कटरा का, देख लो यार आज तक यहाँ पे हमेशा हम बस से हाँ एक बार आया हूँ, उसके अलावा ट्रेन से आया हूँ, वी डिड इट पहुँच गए फाइनली, 630 किलोमीटर हमारे घर से बड़ा आपके घर से 650 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली, वाह ओके। तो देख लो भाई हम अपनी स्कूटी बाइक से यहाँ तक आ गए यार, सच में इमेजिन नहीं किया था हमने,
कि यहाँ तक लेकर आ पाएंगे कभी। सबसे बड़ा क्रेडिट एंटोर्स को जाता है और खुद को भी जाता है यार, थकते हुए आए हैं। एग्जैक्टली सही कह रहे हो। बस जल्दी से होटल लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से यात्रा करने निकलेंगे हम। ठीक है, बाय बाय, टाटा। जंप कर लिया ना मेरे। ये देखो रैलिंग जंप करके आ गया। अरे आराम से आ रहा है, घूमते हैं सुस्त आदमी। देखते कौन कितना गली ब्रेक मांगता है। ब्रेक नहीं, आराम से कर दोगे ना? आराम से कितनी देर में कर दोगे? देर की बात नहीं है, बात ये कि कौन सबसे जल्दी ब्रेक लेता है। ये तो नहीं कहोगे ना यार, रुक जाओ। नहीं, वही चीज़ मैं पूछ रहा हूँ। पक्का? देखते कौन कहता है, जो भी कहेगा ना कैप्चर करेंगे। क्या भर गई आपकी? क्या क्या भर गई है? चले चलना, आगे चलते रहो, चलते रहो, चलो। आएगी ना, व्हील बैलेंसिंग खराब हो गई है पूरी की पूरी। इनके इंजन की व्हील बैलेंसिंग खराब, इंजन नहीं टायर के भाई, टायर किस गए इनके? टायर गर्म हो गए हैं भाई। महंगी बातचीत पे लगा कर दिया, मिशलिन के टायर लगवाएंगे अब। बस गाइस पहुंचने वाले हैं हम। और पता है मैंने रास्ते में पूरा व्लॉग नहीं किया। झूठ, कहाँ व्लॉग किया यार? जी पहुँचने वाले, ये झूठ पहुँचने वाले यार। क्या झूठ, झूठ नहीं बोल रहे, सच में पहुंचने वाले। बट यार सच में ब्लॉग नहीं किया रास्ते। क्यों नहीं किया बता, रीजन बता दो यार। क्यों? भाई सांस फूल रही है यार, और कैमरे की भी सेफ्टी ज़्यादा है। कैमरा दो बार गिर चुका है मेरे हाथों से ऑलरेडी, और अभी कार्ड सेंस नहीं कर रहा था। ये चीज़ पहले भी मेरे पास हो चुकी है, राइड कर रहे थे ना उस टाइम पे। ठीक, मैंने किया है। जल्दी पहुँच जाते यार, हिम्मत नहीं हो रही ब्लॉग करने की। दान नहीं देते किसी को भाई, बंदा बहुत खा रहा बंदा, खुश हो खाता बंदा एकदम। भाई अभी तक के सबसे छुई मुई पर्सन कौन है? अरब भाई। छुई मुई भाई, कसम से यार दर्शन करने गए हम सब, और दर्शन के टाइम ना अभी देखो दर्शन के ज़्यादा शॉट नहीं मिले पूरे स्टाइल में। छुई मुई हाँ, पता है इस दर्शन के टाइम ना इसने नाम रख दिया, इनका आवाज़ आएगा क्या छुई मुई नहीं यार स्टाइल में।
ये पूरे रास्ते चुईमुई बोलता हुआ आया। क्यों बोला है बता तो भाई, दर्शन के टाइम ना नंगे पैर जाना होता है वहां। पैर कट गया। हाँ पैर कट गया भाई, मेरा पैर कट गया भाई। फिर ठंड चढ़ छाती हो, ठंड चढ़ ठंड चढ़ रही है भाई। और ये चलने का स्टाइल ऐसा लोग चलने का स्टाइल नहीं दिया, ब्लॉग में वेस्ट नहीं करनी। मैं क्यों वेस्ट हो जाएगी। सही है, बहुत सारे लोग देखते हैं यार हाई लेवल भारत लोग पड़ेगा यार, बहुत सारे यार सब्सक्राइबर मतलब परेशान हो जाएंगे कहेंगे यार इतना कह सकते हो गालियां पड़ेंगी मुझे। सुन इतना कह सकते हो व्हील बैलेंसिंग खराब हो गई थी बस इनकी। व्हील बैलेंसिंग खराब ये ना, जैसे हम तो यूं हो पा रहे हैं ना, यूं ये ऐसे फोल्ड नहीं हो पा रहे हैं। वो पता क्यों हुई है, मैंने इनसे कहा था स्टेयर्स मत लेना, मैंने कहा था स्टेयर्स मत लेना जाते हुए, बट फिर भी जबरदस्ती लोकी के साथ ये लोकी ने पैर खराब करवा दिए इनके। 1000 स्टेयर्स चढ़े हम लोग। 1000 स्टेयर्स चढ़ के आए। सस्पेंशन तो मेड नहीं है, कंटिन्यू आधे आधे घंटे के रुपये हर स्टेयर चढ़ने के बाद। भाई बहाना ये था भाई, रुक जाओ वो आ रहे हो। अभी सीरियसली बताओ, मैं सीरियसली तो मतलब क्या पावर ना तो डाउन हो गई है कि अब कुछ नहीं कर सकते सीरियसली। मैं बता रहा हूँ मेरा ये हो रहा है। मैंने ना अभी यहाँ पे क्या खाया, कॉफ़ी ली है, कॉफ़ी ली थी, कॉफ़ी थोड़ी हार्ड ली थी मैंने, और कॉफ़ी के अलावा लिया था और क्या लिया था मैंने, पनीर कुलचा। भाई कसम से पनीर कुलचा बहुत टेस्टी है यार। पनीर कुलचे की ऐसी तैसी कर दिया आपने, पोस्टमार्टम कर दिया। हाँ मैं कह रहा हूँ नीचे डिनर तो मिल रहा है। बस यही है कि हम ना जल्दी से जल्दी पहुँच जाए नीचे। इवन हम भैरव बाबा दर्शन करने भी नहीं गए, हम नीचे डायरेक्ट आ गए क्योंकि इस टाइम पे ना दो जन के पास कपड़े नहीं थे। दो जनों के पास कपड़े नहीं थे, वो जैकेट मैंने बोला था सबको यार, मैसेज डाला था इनको कि मैसेज ही नहीं पढ़ते यार सचिन ग्रुप के। मैंने मैसेज डाला था कि भाई प्लीज़ ये सब चीज़ें लेकर चलना, स्लीपर्स भी। ये स्लीपर्स पता है किसकी पहन रखी हैं? मेरी। मेरी मैं कहूँ ये एकदम से मेरी कैसे बता रहा है? मैं कह रहा तू बोलेगा मेरी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है ये ब्लॉग बनेगा तो बनेगा कैसे, कौन से पार्ट में जाएगा, ये कौन सा पार्ट नहीं, कैसे इसे एडजस्ट करूँगा, क्योंकि ना मैंने बिल्कुल बहुत कम शॉट्स लिए हैं। और बस क्या बताओ यार, मैंने कुछ भी नहीं किया मतलब इस ब्लॉग में। मुझे पता है कि अच्छा नहीं बनेगा ब्लॉग, बट ट्राई करेंगे। माता के दर्शन करने आए हैं। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। आकाश भाई जय माता दी। तेज तेज आवाज। जय माता दी। आवाज नहीं आई। चलो अपने काम करते हैं, चलते हैं, वरना ना फिर अगर बॉडी ठंडी होगी ना तो उतरा नहीं जाएगा। आपकी ज्यादा ठंडी नहीं हो जाती बॉडी? आपकी बॉडी को ज्यादा ठंडी नहीं हो जाती? चलने का स्टाइल देखो प्लीज, एक बार देखो। ओ भाई नॉर्मल देख, देखो देखो नॉर्मल हो गए। जबरदस्ती दिख रही है। हाँ जबरदस्ती दिख रही है नॉर्मल। बॉडी ठंडे से भाई आकाश भाई तो कच्चे में आए आराम से। इनको यार इनको भी बिल्कुल ठंड का बिल्कुल एहसास नहीं था यार ठंड में। देखो हाथ मेन चीज ये देखो, इस बंदे की टांगे ना रोमटे भी खड़े हुए, पता नहीं कैसी चीज दिखा रहा हूँ लेकिन सच में रोमटे खड़े हैं टांगे। ये बंदे जैकेट में है भाई, है बूट्स भाई। भाई मैं एक चीज कहूंगा, ऐसे ऐसे आने के लिए ना गट्स चाहिए, तो इनमें तो है नहीं। गट्स नहीं, बेवकूफी। इसे ना बेवकूफी कहते हैं। हां मैंने भाई वाला बेवकूफी बोल दिया है, लेवल बेवकूफी कहते हैं इसे। ऐसे बोलते ऐसे बोलते हैं हाफ नॉलेज, हमें पता ही नहीं था इतनी ठंड पर। इवन मैं तो आपको इसी से बताना चाहूंगा, ये दोनों बिना पैसों के आ रहे थे, 100-100 रुपए लेके, 100-100 रुपए लेके आ रहे थे, 100-100 रुपए मतलब बात है। चलो यार 100-100 रुपए। हां 100, आप 100 रुपए लग रहे थे प्रसाद के लिए सिर्फ, याद है आपको? हाँ उसके बाद निकाल लिया, अदरवाइज ये सोचा था ना कि विदाउट पैसा का हो जाएगा काम, प्रसाद ले लूंगा बस। सिस्टम पता नहीं यार, पहली बार आ रहा हूं। 3 290 और कितने में चले थे हम? एक मिनट, ये बंदा बोल 3 कहां से बोल, 6:30 बजे हम निकल गए थे वहां से और 3 बज रहे हैं। कहां हमारा प्लान था? अरे नहीं ये पता क्या डिसाइड कर रहे थे, उसी ढाबे जिस सर ने खाना खाया आज, कह रहे थे उसी ढाबे से खाना खाएंगे, रात को 12 बजे बंद होता है। और यही छुई मुई सबसे ज्यादा उसमें क्या है, इन्होंने बोला है पहले कौन बोलता है कि रुक रहा है और कौन परेशान होता है। परेशान लाइन में ऐड कर रहा हूँ, मतलब मीन यही था उसका। कैसा लग रहा है आपके खुद अपने शब्दों पे ऐसे पछताने वाले? परेशान हुए नहीं, सबसे पहले आप परेशान हुए क्यों? साबित हो गया वैसे, साबित ऐसे हुआ। लोकी और रोशनी में आते हैं, देखो लोकी और में चल रहे थे, हुआ क्या, हम लोग जब बहुत ज़्यादा टॉप पर पहुँच गए थे सबसे पहले, तो वहाँ पे हम लोगों ने वेट किया, तो ये दोनों बंदे जूस पी के आए थे नीचे से। मैं एक मिनट, मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहूँगा, एक मिनट
मैं बताता हूँ, देखो क्या है, हर किसी का अपना चलने का स्टाइल होता है। इन दोनों की स्पीड से जब हम चल रहे थे ना, हमारे सीरियसली इतनी ज़्यादा थकान हो रही थी ना, हम चल नहीं पा रहे थे। अगर इनकी स्पीड से चल रहे थे हम और हम इनके और हमारे बीच ज़्यादा डे मतलब होगा तो आधे से आधा घंटे के आसपास का हमारा वो रहेगा। क्या बात, तो मेन सबसे मेन चीज़ तो यही भाई, थका कौन ये बताओ। अब यहाँ पे हालत कैसी खराब हो रही है, लोगों ने जूस पिया तो भाई इनके छाती में ठंड ठंड छाती में ठंड चल रही है। मतलब जूस पिया तो यार, अगर मान ले अगर हम लोग भी यार अभी बड़ी एनर्जी से दिखा रहे ब्लॉग में, बड़ी एनर्जी यार। मैं अभी दर्शन करने गए थे ना, सबसे आ रही शक्ल और वो सब, भाई चलो यार अब नहीं यार, अब नहीं हो पाया भाई। गन्ने का रस पिया था, जूस नहीं गन्ने का रस पिया था, उससे थोड़ी बहुत एनर्जी आ गई थी। चलो भाई ऐसे तो बातें चलती रहेंगी, अब हम नीचे पहुँचते हैं, थोड़े बहुत शॉर्ट्स द्वारा ऐड करूँगा मैं और पहुँच जाते नीचे। फाइनली हम दर्शन करके आ गए। शक्ल में मत जाना प्लीज यार, बहुत बेकार हो रही है, मुझे पता है। पता नहीं इस बार मेरे को ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है पैरों में, और वो क्यों हो रहा है वो बता देता हूँ। आप रीज़न वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं गलती से ये शूज़ पहन के आ गया। ये बहुत हैवी शूज़ है और एक स्टेयर पकड़ ली उसके साथ ही आ जाता है। और कल शाम 6 बजे चले हुए हैं हम, 6 बजे से अब 6 बजे पहुँचे, 7 बजे 13 घंटे लग गए हैं पूरी यात्रा कंप्लीट करने में। इवन भैरव आवा नहीं जा पाया यार, थोड़ा हालत ख़राब हो रही थी और हमारे पास रिसोर्सेज पूरी नहीं थी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया वीडियो में, बट फिर भी यार स्टिल ट्राई करेंगे, दोबारा जाएंगे। अब यार होटल पहुँचे फिर मिलते हैं आपको। सच में हालत बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है और आप देख लो ऊपर की तरफ चढ़ाई है यहाँ पर यार। अब पैरों के बैंड बज गए भाई, फिर बाय में बाद में मिलते हैं यार होटल के अंदर। आपको नुकसान तो बता दें क्या, फाइनली हम अपने रूम में आ गए भाई। इसमें यार अभी ना मतलब ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ, स्टोरी सारी बाद में बताऊँगा और भी क्या क्या हुआ हमारे साथ। बस नेक्स्ट पार्ट भी ज़रूर देखना और क्या करना है बता दो यार, मेरे बस की नहीं है। पता है क्या हुआ है, मतलब यार शूज़ की वजह से, शूज़ है पता नहीं या फिर सीढ़ियों की वजह से मेरे ना पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और अभी मैंने गर्म पानी, मैंने गीज़र ऑन कर दिया है, मैं और अरबाज़ भाई दोनों गर्म पानी में पैर डाल के बैठने वाले हैं कम से कम 1 घंटे के लिए, तभी कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा। अदरवाइज यार हमारी यही हालत रहने वाली है, अभी पता नहीं कैसा फेस आ रहा होगा। चलो बाबा यार आप लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और नेक्स्ट पार्ट जरूर देखना। अभी नेक्स्ट पार्ट भाई मत हटाओ, बहुत अमेजिंग आने वाला है। एक बार खोलना यार, बहुत अच्छी लाइट आएगी। नीचे स्विच है, नीचे नीचे और इसके नीचे, इसके नीचे, हाँ दबा दे उसको, हो गया एसी ऑन। तो भाई बस लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और जो कर सकते हो कर देना। नेक्स्ट ब्लॉग मिलते हैं, इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर कर लेना। एक चीज़ और बतानी है यार, इंस्टाग्राम पे कोई अपडेट नहीं आई है अभी। वो राउटर है ना यहाँ पे, हाँ पासवर्ड पूछ लेते हैं। हालत ऐसी हो रही है, हम सो ही नहीं है बिल्कुल भी पूरी रात भर के। आज का पूरा दिन हमारा इसी रूम में बीतने वाला है, गाने वाने बजा के। क्या और बस गाने वाने बजा के हम बिताएंगे यार। बाय बाय, बस 3-4 बार बोल चुका हूँ इसलिए आप सच में बताए। Thank you.